फ्रेंड्स, हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स टिक्नोमेट्री इनवर्स 2.1 के भी कुछ क्वेश्चन किए थे, 2.2 के भी किए थे, आज हम 2.3 के कुछ क्वेश्चंस को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा क्वेश्चन है 2.3 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट में 13π/6। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड एक बार कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, ये फ्रेंड आप सामने क्वेश्चन है हमारे, कॉस इनवर्स कॉस। फ्रेंड्स, हमने क्लास 11th में पढ़ा था क्वाड्रेंट्स के बारे में। अब 13π/6 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, इसको हम क्वाड्रेंट के हिसाब से ब्रेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक बार, 2π + π/6, देखिए इसको मैंने इस प्रकार से ब्रेक किया है, 6 × 2 = 12π और पाई प्लस में ऐड करेंगे 13π/6, मतलब यही कंडीशन बन गया है। अब देखते हैं 2π, अगर हम क्वाड में आते हैं तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ा था 0, 90, 180 और 270, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, 90 मतलब पाई बाय 2 हुआ, 180 मतलब पाई हुआ, इसका मतलब 3π/2 हुआ और ये 2π भी होता है। तो हमने पढ़ा फ्रेंड्स पहले में, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, हम यहां जानते हैं। तो फ्रेंड पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं, सेकंड में साइन और कॉस है, थर्ड में टैन और कॉट और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसी पे हम देखते हैं 2π + θ, 2π फ्रेंड्स ये है, प्लस में थीटा। फ्रेंड्स जब हम प्लस करते हैं तो हम ऊपर जाते हैं और माइनस करते हैं तो नीचे आते हैं, तो वही कह रहा है 2π + θ, 2π + θ। और मैंने भी आपसे कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, बट एक बात का ध्यान रखेंगे, 2π पे और 180 पे कभी भी हम चेंज नहीं करते, चेंज करते हैं हम पाई बाय 2 पे और 3π/2 पे। तो फ्रेंड्स इसकी जगह लिख सकते हैं cos 2π + θ, तो π/6। ठीक है फ्रेंड, 2π + θ, सब प्लस होते हैं, चेंज नहीं होता, तो क्या बचा आपका, हमने पढ़ा था cos 2π + θ, cos थीटा। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़े हुए हैं रूल समझ में आता है, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया है इसकी जगह मैंने, फ्रेंड बताया था आपको cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, आपका बचा π/6 और ये आपका आंसर है। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, cos इनवर्स cos ब्रैकेट में 13π/6। तो फ्रेंड्स cos इनवर्स सेम ऐसे कैसे ही, cos ऐसा ही, इसको मैंने ब्रेक किया 2π + π/6 में, तो ये भी आपका देखो 12 और ये आपका प्लस 13π/6 ही होगा, ऐड करके एलसीएम लेंगे। और मैं जानता हूं cos 2π + θ cos थीटा होता है, तो यहां से आपका cos इनवर्स से cos कैंसिल, आपका बचा π/6, ये आपका आंसर है। ऐसा हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड हमारे सामने क्वेश्चन है 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 sin inverse 3/5 = tan inverse 24/7, हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स ये हमें प्रूफ करना है, तो फ्रेंड्स हमने यहां पे LHS लिया, LHS 2 sin inverse 3/5। देखिए फ्रेंड्स यहां पे tan साफ साफ सिंपल वे में है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं sin में सिंपल। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2 sin इनवर्स x बराबर में sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस में
एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स की फॉर्म में। तो देखते हैं, टू साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव सिक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स, ये पोर्शन हमारा एक्स होता है पूरा, थ्री बाय फाइव अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर थ्री बाय फाइव का स्क्वायर। तो बढ़ते हैं आगे, साइन इनवर्स टू थ्री जा सिक्स, अंडर इसको लेते हैं फ्रेंड्स वन माइनस में नाइन बाई ट्वेंटी फाइव साइन इनवर्स सिक्स बाय फाइव। फ्रेंड्स करते हैं इसको रूट से बाहर, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव में से आपका नाइन जाएगा तो सिक्सटीन और अपोर में ट्वेंटी फाइव, रूट से बाहर निकालिए तो बचेगा आपका फोर बाय फाइव। तो ये आपका आया साइन इनवर्स सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ये आपका सिंपल साइन इनवर्स आया है। अब देखते हैं कि इसको टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर अपने तो मैं फ्रेंड्स ट्वेंटी फोर अपॉन में ट्वेंटी फाइव, ठीक है फ्रेंड्स देखते हैं साइन इनवर्स ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी फाइव, इसको हमने x मान लिया, वो देखिए फ्रेंड्स इस पूरे टर्म को मैंने x मान लिया है। अब देखते हैं sin x, ये डिवाइड में आके इनटू में जाएगा क्या होगा आपका sin x और ये आपका हो जाएगा 24 बाय 25। फ्रेंड्स अगर cos निकाल लेते हैं तो tan x निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। देखते हैं cos x बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर x, ये हमने टेंथ में फॉर्मूले पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखते हैं 1 माइनस में साइन की वैल्यू 24 अपॉन 25, ठीक है 24 काम करते हैं स्क्वायर तो आएगा हमारा 5 7 6 अपॉन में 25 का 6 25। देखते हैं एलसीएम लेते हैं 625 माइनस में 5 7 6 अपॉन में 625, तो ये आएगा हमारा। इसको सबट्रैक्ट करते हैं 15 में 6 गया आपका 9 बचेगा, यहाँ बचा आपका 4 कैरी, 4 में 7 गया आपका 4, 11 से आपका 7 गया आपका 4 बचेगा और यहाँ फ्रेंड्स 0, ये बचा आपका 49 बाय 625, तो ये हुआ आपका 7 बाय 25। आप cos x की वैल्यू आपकी फ्रेंड 7 बाय 25 आ गई है। और हम जानते ही हैं कि जो हमारा tan थीटा होता है वो हमने पहले से पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये तो हम जानते हैं tan से पढ़ते हुए। अब सिंपल इस फॉर्मूले के अपनी वैल्यू को निकालते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं tan x बराबर sin x बाय cos x, sin x हमारा था 24 अपॉन में 25, और cos x था हमारा 7 बाय 25, ठीक है 25 से 25 कैंसिल आउट, बचा हमारा 24 बाय 7। ये हमारी फ्रेंड्स अभी 10x की वैल्यू आई है, ये हमारे अभी
टेन एक्स की वैल्यू आई है, हमें तो निकालना है टेन इनवर्स एक्स। तो फ्रेंड्स अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक्स यहां पे डिवाइड में क्या हो जाएगा इनवर्स, तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 24/7 और ये आप फ्रेंड्स आपका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड प्रूफ हो गया ये LHS tan inverse 24/7, tan inverse 24/7। देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए काफी बार पूछा जाता है। कह रहा है प्रूव दैट tan inverse root x is equal to 1/2 cos inverse 1 minus x upon में 1 plus x, ये हमें प्रूफ करना है। तो इससे ये लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे आर से एलएच को लेके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने लिया एलएचएस, सॉरी आरएचएस, देखिए 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स। तो हम एक फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब कि cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x के। मैं सेम इसी कंडीशन में इसको बनाता हूं। देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे इसको, 1/2 सेम ऐसा कैसे cos इनवर्स, मैंने ही लिखा 1 माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका स्क्वायर का सेम एक्स ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस में रूट एक्स का स्क्वायर। अब देखिए सेम कंडीशन में आगे तो मैं आपको बताया था 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स सेम cos इनवर्स x ब्रैकेट 1 माइनस में रूट एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर सेम बराबर आया इसके फ्रेंड्स, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x की जगह, तो इसको हम लिखते हैं 1/2 * में 2 tan इनवर्स, इसके लिए फ्रेंड्स x क्या होगा रूट एक्स 2 से 2 गया आपका बचा tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है फ्रेंड्स ये प्रूफ हो गया हमारा यहाँ पे RHS LHS, और फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है tan इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स पोन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, आपको प्रूफ करना है इसमें पाई बाय 4 माइनस में 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो देखते हैं फ्रेंड ये प्रूफ कैसे होगा। अब हमें कुछ ना कुछ तो x ही पुट करना पड़ेगा जो क्वेश्चन को आगे अप्लाई कर सके, तो हमें पता कैसे लगेगा हम क्या पुट करें। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो यहां पे इनवर्स होता है बेसिकली वही पुट होता है, तो यहां पे cos लिखा है तो मगर फ्रेंड cos पुट करें तो शायद कुछ हो सकता है। तो यहां पे करते हैं लेट x बराबर cos थीटा, ठीक है मैंने लेट किया इसकी जगह cos थीटा, देखते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में cos
थीटा फोर में अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस में कॉस थीटा प्लस में अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा। फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वन प्लस कॉस थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ही वन माइनस कॉस थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू होता है। अब यही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू एंड वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। देखते हैं इसमें तो ये वो आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन माइनस में करेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और यहां भी सेम टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है फ्रेंड्स ये हमने पुट कर दिया। अब देखते हैं जब फ्रेंड्स हम इसको कॉस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो बचेगा कॉस थीटा बाय टू, सेम यहां पे साइन स्क्वायर निकालेंगे रूट से बाहर बचेगा साइन थीटा बाय टू। अब देखते हैं तो यहां बचेगा आपका रूट टू कॉस थीटा बाय टू, सेम यहां भी रूट टू साइन थीटा बाय टू, सेम चीज ऐसे करेंगे रूट टू कॉस थीटा बाय टू और प्लस रूट टू साइन थीटा बाय टू। ठीक है अब थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं tan इनवर्स सेम ऐसा कह रही फ्रेंड्स यहां से मैं रूट टू ऊपर और नीचे से कॉमन ले रहा हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। देखते हैं यहां पे रूट टू तो यहां बचा कॉस थीटा बाय टू माइनस में साइन थीटा बाय टू अपॉन में रूट टू कॉस थीटा बाय टू और प्लस में साइन थीटा बाय टू, रूट से रूट टू हो गया बचा फ्रेंड्स टेन इनवर्स कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू होम में कॉस थीटा बाय टू प्लस में साइन थीटा बाय टू। फैसला करते हैं एंड सेम बताया पीछे कॉस थीटा बाय टू को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेते हैं, पिछले आप पढ़ाया था मैंने आपको भी कॉस थीटा बाय टू बाय कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू और thank you.
डिवाइड किया यहाँ पे कॉस थीटा बाय टू से न्यूमरेटर में, ठीक है फ्रेंड्स, इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये बना आपका टेन इनवर्स वन माइनस में टेन थीटा बाय टू अपॉन में वन प्लस टेन थीटा बाय टू। देखिए फ्रेंड्स अब टेन इनवर्स, मैंने आपसे कहा था जब वन आएगा तो वन की जगह यहां पर अप्लाई करेंगे टेन पाई बाय फोर, जब टेन का फॉर्मूला आपको लग रहा हो टेन थीटा बाय टू ओन में वन ऐसा कैसे प्लस में टेन पाई बाय फोर और टेन थीटा बाय टू। अब देखेंगे यहां पे एक फॉर्मूला बन जाइए टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर माइनस में थीटा बाय टू, फ्रेंड कैंसिल आउट, बचा आपका पाई बाय फोर माइनस में थीटा बाय टू। और अभी हमने देखा था यहाँ पे कि हमने एक्स बराबर माना था कॉस थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स एक्स, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाय फोर माइनस में थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स और ये वन बाय टू। और फ्रेंड्स देखिए यही आपका आरएचएस है, देखिए फ्रेंड यही आपका आरएचएस है, ये हो गया प्रूफ। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी मेरी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो प्लीज बताइएगा मुझे कि आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, जिसको मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।